सो टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज सजेस्टेड बाय एसके बॉस 1.0। इन्होंने लिखा है प्लीज ड्रेस कलर चेंज इफेक्ट चाहिए, मतलब वो जो रुक मैं आपको डायरेक्ट कल के करके दिखाता हूँ, मतलब क्या समझाना। जैसे अभी मैं ऐसे हूँ और 1 2 3 एंड ये रहा ऐसा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो देखो ऐसा, या फिर ये रहा, मतलब कोई भी कलर में मैं मेन में आ जाता हूँ, तो मतलब कोई भी कलर में आप कर सकते हो। कैसे करना है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। एंड थैंक्स टू एसके बॉस जिन्होंने इस टॉपिक को सजेस्ट किया है। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो आप नीचे कमेंट में किसी एडिटिंग से रिलेटेड टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि अगर मैं उस पर वीडियो बनाता हूं तो आपका नाम ऐड करूंगा। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अब एडिटिंग करने से पहले हमें तो शूट करना पड़ेगा। शूट करने के लिए मैं कुछ आपको कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रीकॉशंस या फिर डिस्क्लेमर कुछ भी, मतलब पहले बता देता हूँ कि इस टाइप से शूट करना है। पहले नॉर्मली आप लोग जैसे इसे करके शूट कर लो, और एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो भी ड्रेस हो उसका कलर कोई एक होना चाहिए। जैसे कि मेरा ये मैं अभी मेनली आप देख रहे हो तो ये येलो है, तो मतलब कोई एक कलर पे होना चाहिए, नहीं तो मतलब परेशानी हो जाएगी कलर चेंज करने में। ठीक है, तो आप ये चेक करके रखना, ये वेरीफाई करके रखना कि आपका जो कलर ड्रेस का जो कलर वो एक ही हो। ठीक है, और उसका नॉर्मली आप शूट कर लो, ऐसे इस टाइप से कुछ भी कर करके शूट कर सकते हो। ठीक है, और शूट कर लो, और उसके बाद चलो मैं आपको एडिटिंग वाला पार्ट बताता हूँ। एडिटिंग के लिए हम सिंपली यूज़ करेंगे काइन मास्टर ऑब्वियसली, और अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसे इंस्टाग्राम पे भी आके ले सकते हैं। ये रहा आईडी मेरा, तो आप यहाँ पे आ सकते हो अगर आपको प्रो वाला चाहिए तो, अदरवाइज प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर ही सकते हो। आपको सिंपली क्या करना रहता है, इसको ओपन करना रहता है सिंपल, एंड इसके बाद क्रिएट न्यू एंड 16:9 और आपका वीडियो पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो मान लो ये वीडियो है, नहीं ये नहीं था, मैं आपको ये था, चलो ये वीडियो जैसे हो गया। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये मेरा वीडियो, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे जाना और इफेक्ट पे जाना। इसे देखो मैं बता दूँ, इसका बहुत सारा तरीका है इसे चेंज करने का, बाकी मैं यहाँ पे इजी वाला एकदम इजी वाला आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके और भी काफ़ी सारे तरीके जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो मैं वो नहीं बताने वाला हूँ। आपको सिंपली वो जो इफेक्ट पे जाना, और इसके बाद इस पे जाके इस पे ये जो है नहीं है इफेक्ट वाला जो रहता है इस पे चले जाना, और आपको इंटरनेट को ऑन रखना है जिससे कि ये स्टोर जो है खुल जाए, और स्टोर से आपको एक इफेक्ट को डाउनलोड करना है। कौन सा इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कलर चेंजर नाम का एक इफेक्ट है, तो आप चेक करना, खोज लेना इस कलर चेंजर इफेक्ट को, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो आपको इस इफेक्ट को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड कर लो, और उसके बाद सिंपल है डाउनलोड हो जाएगा तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा कलर चेंजर, इस पर क्लिक करना है और इसको ऐड कर लेना है यहाँ पे। और लेट्स सपोज कि यहाँ पे मुझे कलर को चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे है? इसको यूज़ करना है, देखो सबसे पहले जो इफेक्ट है इसको अपने ड्रेस पे ले आओ, दिस लेट्स सपोज इतना दूर मेरे को चाहिए और मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग दिखेगा, सेटिंग पे चले जाना है, और उसके बाद कलर आपका सेलेक्ट करना जो कलर हो, जैसे कि मेरा ये येलो है तो येलो सेलेक्ट किया, और उसके बाद थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, देखो कलर चेंज हो गया। आप इसका ओपेसिटी घटा बढ़ा सकते हो, देखो अगर आपके कपड़े से आगे पीछे हो रहा हो तो आप इसे इस सेटिंग को घटा बढ़ा सकते हो, जैसे इसका कलर आप चेंज तो कर ही सकते हो, जो आप कलर चाहो वो कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये पिंक हो गया, ये ब्लूइश हो गया, और ये हल्का ग्रीनिश में चला गया, मतलब देख सकते हो आपके पास जो कलर आपको जितना चाहे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं ऐसे किया, चुटकी बजाया और यहाँ पे ये ब्लू हो गया। यहाँ से मैं कट ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसका लेट्स सपोज कलर कौन सा करूँगा, ये कर दिया, चलो सेचुरेशन हल्का सा बढ़ा देते हैं। देखो ऊपर ध्यान से देखना, यहाँ साइड फैल रहा है तो वही इसलिए मैंने बोला था इसको अच्छे से सेट करना, नहीं तो फैलने लगेगा बाहर। तो ये देखो पिंक हो गया, और इस तरह से आप काफ़ी इजीली सेट कर सकते हो, अपना कलर चेंज कर सकते हो। देखा, काफ़ी सिंपल था ना, और जैसे ही आपका इफेक्ट बन जाए इस पर क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन रहता है, सेव का बटन, जो वहाँ से सेव कर सकते हो सिंपल, और इस तरह से आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। सो बस इतना ही था आज के लिए, आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपका कोई टॉपिक हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और कान मास्टर उसके लिए इंस्टा आईडी ये रहा आ सकते हो यहाँ पे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।